ठाकुर तो वृंदावन में भी है, ठाकुर तो अपना घर में भी है, लेकिन हम लोग इतने दूर से वृंदावन से रहते हैं, वृंदावन से, लेकिन हम लोग इतने दूर से फिर यहाँ पर क्यों आए, प्रश्न होता है ना। हम इतने रात भर सोए नहीं, जग करके सवेरे फिर हम इतने कष्ट करके इतना दूर क्यों आए। देखो ये जो राधा गोपीनाथ हैं, इनको किसने प्रकाशित किया है, इनकी इतना महिमा, इनका इतना महिमा क्यों कारण किया है, कहते इनका इसलिए इतना महिमा, जिन्होंने ये ठाकुर जी को प्रकाशित किए हैं, इन्होंने साक्षात कृष्ण दर्शन किया है। उन्होंने कृष्ण को साक्षात किसने, बोले श्री उत्तरा ने, किसने, उत्तरा, उत्तरा कौन थी, कहते श्री अभिमन्यु को माँ थी ये उत्तरा देवी। हरे कृष्ण। इसलिए ये ठाकुर जी को जिसने दर्शन किया ना, उन्होंने उन्होंने बनाया। इसलिए जो माता उत्तरा थी, ये बड़ी कृष्ण की, कृष्ण दर्शन की है, कृष्ण की बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी कथा सुनाया करती थी। किसको, बोले बज्रनाभ को। जब मीठी मीठी कथा सुनाती थी, एक दिन बज्रनाभ ने मचल गया, बोले दादी जी जो कृष्ण कन्हैया की तुम इतने प्यारी प्यारी कथा सुनाते हो, मेरी दादा की थोड़ा उनको दर्शन कराओ। बोले तो वो तो चले गए, बोले तुमको मैं मूर्ति बना करके मैं दर्शन करा दूंगा। बोले ठीक है। तो उन्होंने अच्छे अच्छे कलाकारों को बुलाए, उन्होंने कृष्ण को दर्शन किया, कृष्ण कैसे तीन जगह से टेढ़े हैं, गले में कैसे त्रिवली पड़ी हुई, कैसे कृष्ण मीठी मीठी बंसुरी बजाते हैं, सर पर कैसे मोर पंख है, बड़े सुंदर उन्होंने कृष्ण की वर्णना की। बोले ऐसे ही एक मूर्ति बनाओ। उसी समय में जितने अच्छे अच्छे मिस्त्री लोग थे, उन्होंने सारे कला उसमें लगा दी, सारे विद्या। जब उन्होंने एक ठाकुर जी बन गए, बोले देखो आपने जैसे बताया मैंने ठीक वैसे ठाकुर को बनाया, देखो तो कैसे। उत्तरा ने तो कृष्ण दर्शन की ना, कृष्ण को दर्शन की, उनने ठीक से देखा, देखते देखते बोले देखो ये ठाकुर जी में ना, ठाकुर का बक्ष स्थल जैसे है, ये ठाकुर जी की बक्ष स्थल जैसे ये मूर्ति बनाए। फिर ये ठाकुर का नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया, ये गोपीनाथ नाम रख दिया है। बोले श्री गोपीनाथ जीव की, इसलिए कहते जीव ये गोपीनाथ को दर्शन कर लेना, बोले कृष्ण का साक्षात बक्ष स्थल दर्शन करने का फल मिलेगा। बोले और एक विग्रह बनाओ, और एक विग्रह बनाए। जब विग्रह कम्प्लीट ही हो गया, बोले देखो ये ऐसे बना कि नहीं, बोले नहीं, कृष्ण का संपूर्ण कलेवर नहीं आया, कृष्ण का जो मुखार बिंद है इसमें केवल कृष्ण की मुखार बिंद आए। इसलिए जिसमें ठाकुर का मुखार बिंद आए, वो ठाकुर जी का नाम रख दिया, श्री गोविंद नाम रख दिए। बोले श्री गोविंद भगवान की, इसलिए श्री गोविंद जी, इसलिए हमारे रूप गोस्वामी कहते, बोले खबरदार कभी भी मथुरा में भूल से भी मत जाया करो। अगर कभी भूल से मथुरा चले गए ना, याद रखो कभी वृंदावन में तो प्यार पढ़नी नहीं चाहिए। अगर भूल से अगर वृंदावन चल भी गए, वो कहते खबरदार गोविंद जी को कभी दर्शन मत किया करो, गोविंद जी को कभी दर्शन मत किया करो। बोले क्यों भैया, हम तो इसलिए वृंदावन जाते हैं श्री गोविंद गोपीनाथ जी को दर्शन करने के लिए। वो संत रूप गोस्वामी कहते हैं भैया एक बार उनको दर्शन करोगे ना, वो तीन जगह से जो टेढ़े है ना, कोई सीधा चीज अगर अंदर में चले जाए निकल जाएगा, लेकिन अगर कोई टेढ़ा चीज अंदर में चले जाए ना, वो फिर निकलेगा नहीं। और जो कृष्ण तीन जगह से टेढ़े हैं, अगर एक बार दिल में बैठ गए ना गोपीनाथ गोविंद देव, फिर से तुम्हारे दिल से निकलने वाले नहीं। बोले खबरदार इनका जो तेरसी चितवन है, वो तेरसी चितवन में तीर है, जब एक बार किसको दर्शन करते हैं, अगर तीर इस पार से उस पार हो जाएगा फिर, इसलिए फिर तुम दुनिया में किसी के नहीं रह जाओगे। वो संत कहते हैं बोले खबरदार उनको जो सर पर जो मोर मुकुट है, मोर मुकुट में कभी दर्शन मत किया करो। बोले क्यों, बोले एक बार उनको अगर दर्शन कर लिया मोर मुकुट वाला को, ये दुनिया में और किसी को देखने की इच्छा नहीं रह जाएगी तुमको, है देखने की इच्छा नहीं रह जाएगी। इसलिए कहते स्वरूप नयन हरे केहो नहीं घर फिरे, वो सबको सावधान कर रहे हैं, जितने गृहस्थ व्यक्ति है ना सबको सावधान करते। बोले खबरदार ये गोपीनाथ और गोविंद जी को मत देखा करो। बोले क्यों, बोले एक बार अगर उनको दर्शन कर लिया ना, फिर तो राधे राधे बोल और उसे वृंदावन में डोल, फिर तो तुम ये संसार में किसी चीज में मन नहीं लगेगा। अगर पत्नी देख लिया ना, वो पति को छोड़ देगी, अगर पति अगर देख लिया वो पत्नी को छोड़ देगा, अगर बच्चा देख लिया तो पिता माता को भूल जाएगा,
अगर पिता माता देख लिया ना, वो बच्चे को भी भूल जाएगी, क्योंकि उनको दर्शन करने के बाद फिर किसी दृश्य को देखने की उनकी इच्छा नहीं रह जाती है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी मना करते हैं, खबरदार गोपीनाथ जी को, गोविंद जी को दर्शन मत किया करो। मतलब क्या, क्या दर्शन नहीं करना? बोले नहीं, कहते अगर ये जीवन को धन्य बनाना चाहते हो, एक बार श्री गोविंद जी को दर्शन करो, एक बार श्री गोपीनाथ जी को दर्शन करो। तुम कहाँ पड़े हुए, संसारी कीचड़ में पड़े हुए हो, एक बार तो ठाकुर को देख करके देखो, उसमें कितने मीठा, कितने इसमें मधुर है। कहते ये जो गोपीनाथ ठाकुर जी है, कहते ये कौन है? बोले ये हमारी प्रयोजन देवता। ये कौन है? बोले ये कौन है? प्रयोजन देवता। कहते ये हमारे प्रयोजन देवता। प्रयोजन देवता मतलब क्या है? कहते यही गोपीनाथ ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। हम जो साधन भजन कर रहे हैं ना, यही गोपीनाथ को ही जीवन में पाने के लिए। बोले क्यों? कारण है, इनका नाम गोपीनाथ। गोपीनाथ मतलब क्या है? इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ना अहम बरनी, न गृहपति, न जतिरिवा, किंतु प्रदीप न निखिल परमानंद पूर्णे गोपी भरतु पद कमलयो दास दासानुदास। कहते भैया हम किसकी दास है? बोले केवल श्री गोपीनाथ जी का दास है, और हम किसकी दास नहीं। बोले भैया मतलब क्या होता है, तुम गोपीनाथ का दास क्यों बनना चाहते हो? बोले देखो, यद्यपि कृष्ण को सखा लोगों ने भी पाया, यद्यपि कृष्ण माँ जसोदा ने भी कृष्ण को पाया, लेकिन पूर्ण रूप में कृष्ण को पाया तो किसको साथ पाया है? कहते ये गोपियों ने कृष्ण को पूर्ण रूप में, गोपियों को साथ में उन्होंने जो लीला की है, गोपियों ने पूर्ण रूप में उनको पाए। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्रीमान रास रसारंभी बंसी बट तटस्थित करसन बेनु सुनेर गोपीनाथ श्रीअस्तु। न कृष्ण जब बंसी बट को नीचे उन्होंने बंसरी बजाए, यद्यपि ब्रज में पूरा 84 क्रोश था, सखा लोग थे, माताएं थी, लेकिन वो बंसी की आवाज किसको कान में पड़ी? किसको कान में पड़ी? बंसी का आवाज केवल ये गोपियों को कान में पड़ी, और किसको कान में नहीं पड़ी? बंसुरी और किसको नहीं बुलाए? केवल बंसुरी। श्री राधा रानी तो सुन रही थी बंसुरी से, केवल राधे 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 नाम आ रहा है। ललिता सुन रही थी बंसुरी से, केवल ललिता ललिता। और विशाखा सुन रही थी, केवल विशाखा विशाखा नाम आई है। इसलिए कृष्ण जो रास रचाए, किसको साथ में रास रचाए? केवल ये गोपियों को साथ में रास रचाए। और कृष्ण का सबसे श्रेष्ठ लीला कौन सा लीला है? इनकी रास लीला, इनकी सर्वश्रेष्ठ लीला, इनकी रास लीला है। इसलिए कहते ये गोपियों ने जैसे कृष्ण को अपना प्रेम में बसीभूत किया है, इसलिए कृष्ण सब जगह में, कृष्ण एक प्रतिज्ञा किया है। बताओ कृष्ण का क्या प्रतिज्ञा था? बोले जे जथा माम प्रपदन्ते ताम तथैव भजामि हम। बोले हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे उपासना करता है, मैं ठीक उसके अनुरूप प्रेम प्रदान करता हूँ। लेकिन जब उन्होंने गोपियों की प्रेम को पास में पड़े हैं, गोपियों को साथ में रास लीलाए, कृष्ण कहते हे गोपियां, न पारे अहम निरबद्ध सजुजाम, ब्रह्मा जैसे परमायु पा करके भी तुम लोगों का ऋणी कभी मैं चुका नहीं सकता। बोले क्यों? तुम लोगों ने मेरे को प्रेम करने के लिए भाई बंधु पुत्र परिवार सबको तुम लोगों ने ठोकर मार दी, सबको त्याग करके तुम लोगों ने मेरे पास में आए। तुम लोगों का जो शरणागति है, समर्पण है, और किसी को अंदर में इतना समर्पण नहीं। ये दुनिया में देखो, देखो बेटा तब तक बेटा का दोस्त रहता है, तब तक अपना पिता माता को प्रेम करता है। बोले कब तक? जब तक शादी नहीं हो जाए। देखना जब बेटा का शादी हो जाता है ना, उसको पहले बहुत दोस्त रहते हैं, पिता माता को भी प्रेम करता है, लेकिन रात में पत्नी बेटा को कान में ऐसे एक मंत्र देती है, दूसरे दिन बेटा का बुद्धि बदलता हुआ दिखता है। दिखता है कि नहीं? बोले कारण क्या है? बोले कारण है कि पत्नी को अंदर में जो प्रेम है, उसको अंदर में सखा का सख्य भाव भी है। माँ जैसे बच्चे को प्यार देती है, प्रेम करती उसको अंदर में, और पत्नी का प्रेम तो उसको अंदर में है ही है, उसको अंदर में ऐसे एक वस्तु है जिसको पा करके वो बेटा सब कुछ भूल जाता है। कहते उसी तरह जो गोपियां हैं, इन लोगों ने कृष्ण के प्रति इनकी जो समर्पित भावना, इनकी जो प्रेम है ना, ऐसे प्रेम दुनिया में कोई नहीं। इसलिए इनके प्रेम को समर्थ रति बताए। समर्थ मतलब कृष्ण को बसीभूत करने में अगर पूर्ण शक्ति किसको अंदर में? ये केवल गोपियों के अंदर में ही। इसलिए गोपियों ने जैसे कृष्ण को प्राप्त किया है, गोपी भाव से हमारी लक्ष्य भी
यही सही लक्ष्य हमारी एक दिन गोपी भाव को प्राप्त करते हुए, ये गोपियां जैसे श्याम सुंदर को गोपीनाथ को सेवा करते हैं, कभी हम ऐसे सेवा कर सके। इसलिए जो गोपीनाथ हमारी कौन सा देवता है, कहते ये प्रयोजन देवता। प्रयोजन देवता मतलब हमारा जीवन का जो लक्ष्य है ये गोपीनाथ ही केवल लक्ष्य है, और कोई कृष्ण हमारी लक्ष्य नहीं। बोले श्री गोपीनाथ जी की, बोले श्री मधु पंडित जी की। हाँ देखो, हम लोग ये कार्तिक महीना में ये ठाकुर का दर्शन करने का विशेष महत्व है, बड़ा महत्व है इसी महीना में दर्शन करने का। और यहाँ पर जो गोपियां रहती है तो बड़े भाग्यवती है ही है। इसलिए अभी बता रहे थे ना, कृष्ण वृंदावन छोड़कर क्यों आए, किस लिए आए? हम लोग सोचते हैं वहां पर औरों को जब ने आक्रमण कर लिया इसलिए मुसलमान का भय से कृष्ण भाग आए। अरे जिनकी एक इशारा होने पर ब्रह्मा जी कहते हैं, जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिसु अशेष वसुधात विभूति वृन्दम। जब सिर्फ है तो गोपीनाथ जी केवल एक इशारा करते हैं ना, एक ब्रह्मांड नहीं अनंत करोड़ों ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाता है गोपीनाथ के एक इशारा पर। ऐसे ये गोपीनाथ जी, अरे मुसलमान को कुछ बिगाड़ सकता है नहीं, फिर क्यों आए? इसलिए यहाँ पर जो गोपियां है ना, कृष्ण को जहाँ ज्यादा प्रेम करने वाले मिले ना, कृष्ण वहीं चले जाते हैं। कृष्ण ने देखा वृंदावन में हमें प्रेम इतना करने वाले नहीं, जितना जयपुरी के गोपियां मेरे को प्रेम करेगी ना, उतना प्रेम हमें कोई कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए देखो यहाँ पर कितना, अब जब आए कितना गोपियां वृंदावन में, इतना अब नहीं देखोगे वृंदावन, इतने माताएं आती है मंदिर में कोई नहीं देखोगे। यहाँ पर अभी गोविंद देव मंदिर देखा है ना, कितने हजार हजार लोग यहाँ पर आए तो प्यार रखने का जगह नहीं। क्यों? कारण क्या? इनके अंदर में ठाकुर का प्रति प्रेम है। जहाँ ठाकुर जी की प्रेम मिले ना, ठाकुर जी केवल प्रेम की भूखा है, ठाकुर जी केवल प्रेम की भूखे और किसी चीज के भूखे नहीं। फिर ठाकुर जी यहाँ, यहाँ पर तो दो ठाकुर, गोपीनाथ और गोविंद देव, और मदन मोहन कहाँ चले गए? मदन मोहन चले गए करौली। बोले करौली क्यों गए? हमारे कथा आती है जब राजा मान सिंह का एक बेटी थी, वो बेटी बड़े कृष्ण भक्त है, अपना हाथों से ठाकुर जी को सेवा करना, खिलाना, श्रृंगार करना, सब कुछ अपना हाथों से करती थी। बेटी जब शादी की लायक हो गई, राजा मान सिंह ने करौली का जो राजा को साथ में शादी देने का तय की। तब उन्होंने बेटी को पूछी, बोले बेटी मैं दहेज रूप में जो दूंगा सो तो दूंगा ही, अगर तुम्हारी मन में कुछ इच्छा हो बोलो। बोले पिताजी मैं बचपन से ये मदन मोहन जी को मैं सेवा करते करते आया हूँ, इसलिए मेरे को दहेज रूप में ये मदन मोहन दे दो। लेकिन उनका नाम ही मदन मोहन है, बड़े सुंदर है। बोले देखो मैं और कोई ठाकुर ले लो, लेकिन मदन मोहन को मैं दे नहीं सकता हूँ, मैं मदन मोहन को दे नहीं सकता हूँ। बेटी बोली नहीं, तभी मैं शादी करूंगी जब मदन मोहन को दोगे। अभी राजा मानसिंह बेटी में लड़ाई हो गई। बेटी कहती है तभी शादी करूंगी जब मदन मोहन दोगे, राजा कह रहे नहीं और कोई ठाकुर ले लो, इतने में बेटी को तो शादी देना ही है। राजा मान सिंह ने कहा देखो अगर मदन मोहन को साथ में इतना प्रेम है परीक्षा करके दूंगा। बोले क्या परीक्षा करोगे? बोले मेरे पास में जितने सारे ठाकुर को लाइन करके खड़े कर दूंगा और तुम्हारी आंखों में काला पट्टी बांध दूंगा, और जिस ठाकुर को तुम जाकर स्पर्श करोगे बोले ये ठाकुर दो, पहले मैं वही ठाकुर दे दूंगा। बोले ठीक है। अभी रात को राजकुमारी रो रो करके सोई और मदन मोहन जी को हृदय से पुकारी, बोले ठाकुर जी असली शादी तो मेरी तेरे साथ में हो गया है, तेरे साथ में मेरी शादी हो गई, अभी ऊपर से कहीं जाना पड़ेगा इसलिए जा रही हूँ। तू मेरे प्रेम को जानते हो, तेरे को खिलाए बगैर मैं खाती नहीं, सुलाए बगैर सोती नहीं, तेरे को स्नान कराए बगैर स्नान नहीं करती हूँ, तेरे को तो सारे प्रेम पता है। अभी मेरे को पता कैसे चलेगा तुम मदन मोहन हो? अगर तू नहीं जाओगे ना, मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं जाऊंगी। ठाकुर तो प्रेम के भूखे, ठाकुर जी इनकी रात को सपने में आई, कोई चिंता मत करो, एक काम करना, जब उन्होंने सारे ठाकुर को लाइन करके खड़े कर देंगे ना, तुम अपना हाथ को लगाते लगाते सब ठाकुर को पास में आना, जब तुम मेरे पास में आओगे ना ये बात को कोई नहीं समझेगा, तू समझोगा और मैं समझूंगा, मैं तेरे हाथ पकड़ लूंगा, फिर तो तुमको पता चलेगा ये कौन है, ये मदन मोहन। अभी पूरा जयपुर के लोग एकत्रित हो गए, अभी राजकुमारी दहेज रूप में कौन सा ठाकुर ले जाएगी। अभी उनके आंख में काला पट्टी बांध दी राजा ने, ठाकुर को उन्होंने अदल बदल करके लाइन करके रख लिए। जब उन्होंने हाथ लगाते लगाते श्री मदन मोहन के पास में आ गए ना, ये चीज को कोई नहीं देख रहे थे, इतने में मदन मोहन उनका हाथ पकड़ लिए, इस चीज को कोई नहीं देख रहे थे, वही केवल अनुभूति कर रहे थे, ठाकुर जी मेरे हाथ पकड़ कर रखी। बोले पिताजी हमें यही ठाकुर दे दो।
राजा तो अक्के बक्के चके रह गए। बोले इनको पता कैसे चला ये मदन मोहन है? बोले बेटी तेरी जीत ही हो गई और मैंने हार गया हूँ, तुम ये ठाकुर को लेकर चली जाओ। इसलिए ठाकुर को कहीं भी प्रेम करने वाले कहीं मिले ना ठाकुर जी, बस भक्तों को पीछे पीछे ठाकुर जी भाग जाते हैं। इसलिए मदन मोहन जी फिर यहाँ से करौली चले गए, राजा बड़ा सुंदर मंदिर बनाया। इसलिए यहाँ का जो जयपुर के जो भक्त है ना बड़े प्रेम करने वाले, इसलिए ठाकुर जी वृंदावन छोड़कर कहाँ चले आए, श्री जयपुर में चले आए। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे ये जयपुर वृंदावन है। जयपुर क्या है? असली जो वृंदावन है ना यही है। असली वृंदावन तो भक्तों का हृदय में ही असली वृंदावन, जहाँ उनकी भजन करो ठाकुर जी वहीं रहते हैं। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो कि आज का दिन एक दिन में हम लोग ने पांच पांच ठाकुर जी को, जो स्वयं ये ठाकुर जी को किसी ने बज्रनाभ ने कृष्ण का समय से स्थापित की गई है। और राधा विनोद जी वो तो साक्षात ठाकुर जी भक्त से बात करते थे, कथा सुने ना, बोले मेरे को भोग खाना खिलाओ, बगैर चाटनी के दिया अच्छा नहीं लग रहा है, बोले मेरे लिए फूल की सजिया बना दो, बोले नींद नहीं आ रही है थोड़ा पंखा झुलाओ, बोले प्यार में दर्द हो रहा है थोड़ा प्यार दबा दो। भगवान भक्तों के साथ में से बात करते थे हैं। इसलिए जो राधा दामोदर जो दर्शन किया है, ये जो महीना है ये महीना का नाम क्या है, बोलो महीना का नाम क्या है, राधा दामोदर है। इसलिए दो दामोदर है, कितना दामोदर है, एक है जसोदा दामोदर एक है राधा दामोदर। जसोदा दामोदर मतलब इसी महीना में मैया जसोदा ने कन्हैया को उखल में बांध दी। भगवान को कोई बांध सकते हैं? जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, जिसका बाहर नहीं, जो अनंत और असीम है, लेकिन होते हुए भी मैया जसोदा के आप प्रेम में बसीभूत होकर ठाकुर जी बंधन को स्वीकार किया। एक हो गया राधा जसोदा दामोदर, दाम मतलब होता है रस्सी और उदर मतलब कमर, कमर में उन्होंने रस्सी देकर बांध दिया। दूसरा दामोदर है इसी महीना में एक राधा दामोदर है। राधा दामोदर क्यों पड़ा? जिस समय भगवान कृष्ण ने रास रचाई, रास करते समय गोपियों के अंदर में सौभाग्य मत आ गया। सौभाग्य मत मतलब गोपियों को ऐसे लगा, जो एक आंख में काजल पहन कर आई थी कन्हैया दूसरे आंख में लगा दी, जो कान की कुंडल एक पहन करके आई थी उसको दूसरे कान में पहना दी, जो आधा साड़ी पहन करके आई थी कृष्ण अपने हाथों से पूरा साड़ी पहना दिए, जिसने गले की हार को कमर के कर देने गले में कृष्ण सही सजा दिया, जब पसीना बह रहा था ना कृष्ण दोपटा लेकर उनको पसीना को पोंछ रहे थे। कृष्ण कभी कभी बोलते थे गोपियां क्या चरण दर्द कर रहा है, थोड़ा चरण दबा दो, थोड़ा तुम्हारी चरण। गोपियों के अंदर में तो इतना अभिमान आ गया, बोले भैया हमारा जैसे जगत में कोई सौभाग्यवती है नहीं, पृथ्वी में हम सबसे ज्यादा सौभाग्यवती, देखो कृष्ण हमें कितने प्रेम करते हैं। अभी इनके अंदर में अभिमान आ गया, बोले राधा रानी की कोई जरूरत नहीं, राधा रानी के बगैर हम तो पूर्ण है। अभी कृष्ण ने देखा भैया राष्ट्रीय राधा रानी हैं, ये राधा रानी की ये प्रकाश है, लेकिन इनके अंदर में राधा रानी का प्रति निगलेक्ट भाव आने लग गया। इसलिए कृष्ण उनकी अभिमान को दूर करने के लिए, और राधा रानी ने देखा कृष्ण मेरे साथ में भी नृत्य कर रहे हैं, कृष्ण और सबके साथ में नृत्य कर रहे हैं, क्या मैं सबके साथ बराबर हो गई? अभी राधा रानी की मान हो गई। इतने में राधा रानी रास छोड़कर चले गए। जब रास छोड़ दिए, रास का जो श्रृंखला है मूल तरासे सोरी श्री राधा रानी, कृष्ण ने देखा जब राधा रानी चली गई फिर रास किस चीज की? फिर कृष्ण भी सब गोपियों को त्याग दे करके राधा रानी को ले गए, अपना हाथों से सुंदर उनको श्रृंगार की, श्रृंगार बैठ में बैठा करके श्रृंगार की। इतने में गोपियां जो पास में आने लग गई, इतने में कृष्ण ने कहा गोपियां चलो राधा रानी चलो जल्दी जल्दी यहां से चले जाते हैं, अगर गोपियां देख लिया ना फिर तो रास भंग हो जाएगा, फिर तो ये महाराज नहीं हो सकती, फिर चंद्रावली मान करके बैठ जाएगी, ललिता मान करके बैठ जाएगी, फिर तो रास भंग हो जाएगा, यहां से चलो जल्दी जल्दी हम चले जाते हैं। राधा रानी बोली मैं चल नहीं सकती हूँ, जैसे रासों से मेरे को उठा करके लाए थे अब ऐसे ही ले चलो। बोले क्या फिर मेरे कंधे में बैठोगे? बोले बैठा लो। बात जब राधा रानी बैठने के लिए गई, कृष्ण वहीं से अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए तो वहीं पर राधा रानी बेहोश होकर गिर पड़ी। गोपियां आकर उनको होश दिलाए, बोले चलो हम यमुना किनारे में बैठ करके कीर्तन करेंगे। क्यों? कृष्ण स्वयं कहते हैं मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि
नारद कृष्ण स्वयं कहते हैं जहां पर मेरे कीर्तन हो मैं वहीं रहता हूं। इसलिए उपनिषद कहता है न अयम आत्मा प्रवचन न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुते न, मतलब मेरे को कोई प्रवचन से प्राप्त नहीं कर सकते, बुद्धि से पांडित्य से कोई प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बोले कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बोले जब मैं वैसे विरुणुते तन लभ्य, जब मैं स्वयं को कहते सही जाने जा रहे देहु जाना ही, जो कृपा करके वो जिसको जनाते हैं वही केवल उनको जान सकते हैं। वो कृपा करेंगे कैसे? बोले कृपा तभी करेंगे जब हम हरि कीर्तन करेंगे। इसलिए परम विजय तेज कृष्ण संकीर्तन, केवल कीर्तन के द्वारा ही उनको हम संतुष्ट कर सकते। जैसे यहाँ पर जो बैठ कर कीर्तन करते हैं ना, ठाकुर जी की सबसे प्यारा कीर्तन है और कृष्ण को इतना प्यारा कुछ नहीं। इसलिए इन लोगों ने यमुना किनारा में बैठ करके बोले यमुना कौन है? बोले ये कृष्ण की ये अनुराधा है, है? ये कृष्ण रंग में ये काली है, कृष्ण की ये सखी है। जब तक इनकी कृपा नहीं हो तब तक कृष्ण कृपा नहीं होगी। जब उन लोगों ने बैठ करके उन्होंने गोपी गीत गाई, गोपी गीत में इतने शक्ति गोपी गीत में थी, है? इतने में कृष्ण स्वयं मनमथ का मनमथ रूप लेकर कृष्ण बीच में प्रकट होते हैं। बीच में प्रकट होने पर इतने में गोपियां अपना चुंदरी उतार करके रखे, कृष्ण राधा रानी को बैठा करके बोले ये कन्या गोपीनाथ बड़े नटखट है, ये कृष्ण बड़े नटखट है, ये कभी कभी हमारी राधा रानी को छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए कृष्ण का चादर और राधा रानी का जो दोपटा थी ना, उन्होंने अच्छे तरह से गांठ बांध करके उन्हें गांठ बांध दी। बोले जैसे हमारे राधा रानी को कृष्ण गोपीनाथ जी छोड़ करके नहीं जा पाए। इसलिए इसी महीना में भगवान को थोड़ी कोई वशीभूत कर सकते हैं, लेकिन वो अनंत असीम होते हुए भी मैया जसोदा के प्रेम में और गोपीनाथ कहते गोपियों के प्रेम में उन्होंने बंध गए। इसलिए इसी महीना का नाम राधा दामोदर, क्योंकि उन्होंने अच्छे तरह से राधा रानी के चुंदरी और कृष्ण को दोपड़ा को बांध दिए थे। मतलब ये कभी राधा रानी को छोड़ नहीं पाए। कौन सा महीना में होती? इसी महीना में। इसलिए इसी महीना में दो दामोदर है, एक जसोदा दामोदर और एक राधा दामोदर। कृष्ण ने वरदान दिया है जैसे मैं अनंत असीम हूँ, मेरे को कोई बांध नहीं सकते हैं, लेकिन मैया गोपियां जैसे मेरे को प्रेम में बांध दिए। अगर इसी महीना में कृष्ण स्वयं कह रहे इसी महीना में अगर कोई ठाकुर जी को थोड़ा आरती दर्शन कर ले, कोई ठाकुर जी की हरिनाम कर ले, धाम दर्शन कर ले, इसी महीना में अगर थोड़ी सी कृष्ण कहे थोड़ी सी मेरे लिए कोई अगर थोड़ी सी भक्ति करे ना, मैं अनंत असीम होते हुए भी उनका प्रेम में मैं बसीभूत हो जाऊंगा। इसलिए इसी महीना में इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रजमंडल परिक्रमा 84 ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं। और इसी महीना में ये जो ठाकुर जी स्वयं जिसने ठाकुर का दर्शन किया, उत्तरा देवी उन्होंने स्वयं स्थापन किया गोविंद देव के इनको, और जितने सारे ठाकुर आज दर्शन किए हैं वो उसी समय सही सारे ठाकुर है, ये सब के सब महापुरुषों के द्वारा स्थापित ठाकुर। इसलिए हम बड़े सौभाग्यवान जो कि इसी महीना में आकर के भक्त और भगवान को सबका हमने दर्शन किया, हम लोग बड़े सौभाग्यवान। प्रणाम करो गोपीनाथ जी से, प्रार्थना करो एक दिन आप कृपा करके हमारे हृदय में आकर बैठो और हमारा जीवन को धन्य बनाओ। बोले श्री राधा गोपीनाथ जी की, बोले श्री